गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 5 के दूसरे पार्ट को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फसलों के त्यौहार। चलिए इस पार्ट को हम शुरू करते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेखक कहते हैं, सारा दिन बोरसी मतलब आग जलाने वाली जगह में हाथ ताप कर ही गुजर जाता है। खिचड़ी यहाँ एक त्यौहार के अर्थ में लिया गया है। खिचड़ी को मकर संक्रांति भी कहते हैं। इस समय धूप में गर्मी की शुरुआत होती है, लेकिन लेखक तो सूरज के इंतजार में उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए पर सूरज का पता ही नहीं, वो निकलता ही नहीं है। सुबह तो लेखक को रजाई मतलब कंबल से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाज बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चंपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक हाँक मतलब बुलाना लगाने की आवाज़ आ रही थी। लेखक कहते हैं, बाहर देखने से समय का पता बिल्कुल नहीं चल रहा था, क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी और ठंड के समय बाहर सुबह सब धुंधला दिखता है, लेकिन घर के चहल पहल से ही समय का कुछ पता चल रहा था। तथा चंपाकल, चंपाकल का मतलब है जमीन से पानी निकालने वाली वस्तु, जो ज़्यादातर गांवों में दिखाई देती है, और पानी गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के बुलाने की आवाज़, जैसे जा भाग के देख केरे के पत्ते आई कि ना, मतलब इसका मतलब है जाओ भाग के देखो केरे के पत्ते निकले कि नहीं। आज इन लोगों के उठे के नाही का, आज इन लोगों को उठना नहीं है क्या? बोल जल्दी तैयार होकस, जल्दी तुम लोग तैयार हो जाओ। लेखक कहते हैं, अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठे हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चमक मर लगी धोती और कुर्ती पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठान हम पहले कबो ना देख नी, सारा दहकनकना देता, पापा ने कहा। शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। लेखक कहते हैं, सब नहा धोकर कमरे में इकट्ठे हो गए। दादा और चाचा ने सफ़ेद चकाचक अच्छी तरह धोती और कुर्ती पहने हुए थे। तभी लेखक के पापा कहते हैं, खिचड़ी के त्यौहार में ऐसी ठंड उन्होंने पहले कभी नहीं देखी, शायद धोती में उन्हें ज़्यादा ठंड लग रही है। सामने मछिया, मछिया मतलब बैठने की पीढ़ी पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुई दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, छक सफ़ेद सेमल की रुई जैसी हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता, बिल्कुल धुली धुली से लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार कतार मतलब लाइन में रखे हैं, जिस पर तिल मिट्टी गुड़ चावल
आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सपने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर कर दान दे दिया गया। लेखक उसके सामने हुए गए दृश्य को देखकर बताता है कि सामने दादी सफ़ेद खादी की साड़ी पहनकर पीढ़ी में बैठी हुई थी। उस दिन दादी ने अपने बाल धोए थे और दादी की बाल कैसी थी? रुई की तरह सफ़ेद हल्के फुलके, जिन्हें अच्छे से देखने से एक भी काला बाल दिखाई नहीं दे रहा था तथा बाल धुलाई हुई लग रही थी। दादी के सामने केले के पत्ते में कतार मतलब लाइन से तिल, गुड़, चावल के छोटे छोटे ढेर रखे हुए थे, जिन्हें बारी बारी सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया था। जब सभी ने ऐसा कर लिया तो उन चीज़ों को इकट्ठा करके दान में दे दिया गया। इतने में आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि यह कहानी कहाँ की है। बिहार, यह बिहार है। आज तो अपी दीदिया बुरी फंसी। उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइश नाश्ता नहीं चलेगा। उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया एक जगह है जो बिहार में है, से आए तिल। लेखक बताते हैं कि उनकी अपी दीदी बुरी तरह फंस गई। क्यों? क्योंकि उन्हें चूड़ा दही और खिचड़ी पसंद नहीं था, लेकिन उन्हें यह खाना ही होगा क्योंकि खिचड़ी के त्यौहार में इन्हें ही खाया जाता है। तब सभी खिचड़ी खाने के बाद गया एक जगह है जो बिहार में है। वहाँ से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलगुड़ बड़े अच्छे से खाए। तभी खाते खाते लेखक सोचते हैं कि कितने अलग है ना यह खिचड़ी का त्यौहार जो अब हम मना रहे हैं। लेखक अपने स्कूल के समय को याद करते हुए कहते हैं कि स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वही थोड़े दूर पर गुरुजी बिमला दादा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंटे से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाइयों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। बाकी ढंग कैसा भी हो पर है यह खुशियों का त्यौहार। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों के में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा,
सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छे पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरूल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। जनवरी माह में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ी कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। कई लोग जब फसल तैयार हो जाने पर खुशी बांटते हैं तो कुछ लोग पाला कम होने की उम्मीद तथा सूरज की गर्मी से खेतों में फसल तेजी से बढ़ेगी सोचकर खुश होते हैं और सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छे से फसल होने और फसलों के घर आने की इजहार करते हैं। फसलों के त्यौहार प्रत्येक राज्यों में अलग नाम से जाने जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व मनाया जाता है। इन त्योहारों को जनवरी से अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशों खरोशों के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियों इसे अलग अलग समय में मनाती है। संथाल लोग फरवरी मार्च में, ओराप लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरूल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। लेखक आदिवासियों के फसलों के त्यौहार को बताते हुए कहते हैं कि आदिवासी आम तौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। इस दिन साल के पेड़ की पूजा करी जाती है। यही समय साल के पेड़ों में फूल निकलती है और मौसम बहुत अच्छा और खुशनुमा होता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी खटिया, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वही आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपते पुत्ते किनारे से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें ढालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गी, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने
और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सराई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर छोटी छोटी खटिया और लंबे लंबे साल के वृक्ष का जंगल और वही आस पास बसे छोटे छोटे गांव बहुत खूबसूरत लगते हैं। लोग अपने लिपते पुते और सजाए हुए घर में घर के सामने लोग एक लाइन से कमर में हाथ डालकर नाचते हैं। अगले दिन वे नाचते नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं तथा घर घर से चंदा मांगने की भी नियम होती है। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गी, चावल और मिश्री। फिर शुरू होता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है। उस दिन लोग अपने कानों में सराई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। धान की भी पूजा की जाती है। जिस धान को पूजा की जाती है उसे अगले फसल में बोया जाता है। अब लेखक तमिलनाडु के फसलों के त्यौहार के बारे में बताते हैं। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लगाया जाता है, जिनमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत मतलब गोटा हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगते हैं तो पोंगल खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ी त्यौहार को क्या कहते हैं? पोंगल। इस दिन कई तरह के खरीब फसलें जैसे चावल, अरहर काटकर घर लाए जाते हैं। तब लोग नए धान को कूटकर चावल निकालते हैं। मटकी का नया मटका लगाया जाता है, जिनमें नए चावल, दूध और गुड़ ढाले जाते हैं। वे लोग हल्दी को सूप मानते हैं, इसलिए गोटा हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध कर रख देते हैं। यह मटकी को 10:30-12 बजे तक धूप में रखते हैं। जैसे ही दूध में उफान मतलब दूध उबलने लगता है और दूध चावल से बाहर निकल जाता है मतलब गिर जाता है तो पोंगल के स्वर सुनाई देते हैं। दूसरे ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन
आसमान की ओर यदि नजर उठाए तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिलेंगे। प्रत्येक गुजराती, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी थक सा जाता है। लेखक अब गुजरात के त्यौहार के बारे में बताते हैं। गुजरात में पतंगों के बिना मकर संक्रांति अधूरे माने जाएंगे। इस दिन आसमान में देखने से सारी ओर अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पतंग आकाश में लहराते हुए दिखाई देती हैं। हर गुजराती, चाहे वो कोई भी धर्म या आयु का हो, पतंग उड़ाता ही है। हजारों लाखों पतंगों से सूरज थक सा जाता है, यह पतंग है। कुमायों में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, डाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं। कुमायूं एक जगह है जो उत्तराखंड में है। कुमायूं में मकर संक्रांति को घुमतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथ कर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, डाडिम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरिया पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत खुशी, उत्साह और रुचि से करते हैं। तब सुबह बच्चों को माला दी जाती है, वो भी पकवान के माला। बहुत ठंड होने की वजह से पक्षी पहाड़ में चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे पकवान के माला से तोड़ तोड़ कर खिलाते हैं और गाते हैं। वे क्या गाते हैं? कौआ आओ, घुघुत आओ, ले कौआ बड़ो, माँ के दे जा सोने का घोड़ा, खा ले पूरी, माँ के दे जा सोने की चूड़ी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना है वे मांगते हैं। है ना कितना अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने का। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई पांच प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी के स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से डुडूरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर
स्नान करना, तिल दान करना, आँख में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। लेखक कहते हैं, हे ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के लिए। प्रत्येक राज्यों में अलग अलग तरीके से मकर संक्रांति मनाया जाता है। कहीं दूध चावल में गुड़ की खीर बनाते हैं, तो कोई पांच प्रकार के नए नए अनाज से खिचड़ी बनाते हैं। कई लोग नदी में स्नान करने के लिए चले जाते हैं। लोगों को ठंड लगने पर भी बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो लगाते ही हैं। इतनी भीड़ होती है कि तिल रखने की जगह भी नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आँख में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना बहुत ही महत्व माना जाता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है? या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो आप लोग इस पाठ से जान ही गए होंगे कि हमारे देश में अलग अलग फसलों के त्यौहार मनाए जाते हैं। इस प्रकार हम इस पाठ को समाप्त करते हैं। इस पाठ से आपका होमवर्क यह प्रश्न होगा, जिन्हें आप करके मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करें। धन्यवाद।